तो पहला नॉक किया है कॉडल रेडन ने, टीम सावेज रेजर ने भी M416 से अपना किल सिक्योर किया, टीम वीजी ग्लैन को वाइल्ड स्टॉर्म को भी नॉक कर दिया है। यहाँ पे एटीजी प्रॉल डार्क ने पे कुणाल को बचाने की कोशिश किए जाएंगे, बट यहाँ पे स्पार्टा का कवर फायर देना जरूरी था, कवर फायर देना जरूरी था, पर बंदा नॉक किया और सावेज और एक बंदा नॉक कर दिया गया है। यहाँ पे ठाकुर भी नॉक डाउन हुआ, ठाकुर को भी फिनिश कर दिया, एग्जॉकेट ने आयो से देवांश को नॉक करके भी फिनिश कर दिया। वन टीम सैवेज रीट, सैवेज ने तो स्क्वाड वाइप आउट कर दिए गाइज, यहाँ पे सैवेज ने स्क्वाड वाइप आउट कर दिए, ये स्क्वाड को और आयसो की स्क्वाड, तो स्कल की स्क्वाड को आने नहीं देंगे गाइज तीन वेयरहाउस से, थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्कल की स्क्वाड को। टीम सैवेज के बंदे फैल गए और सैवेज रेजर नॉक डाउन पड़ा है, आई गेस नॉक डाउन पड़ा है, यस ही नॉक डाउन, अगर उसको बचाने के लिए उसको बचा सकते हैं गाइज। यहाँ पे स्मोक किया गया है और एक रेडन भी नॉक डाउन हो गया गाइज, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, अलग एंगल में स्कल के बंदे फैले हुए हैं। स्कल रिपर थोड़ा सा आगे पुश कर रहा है एंड उसके साथ आशीष ने और फायर के लिए एंगल होल्ड किया है, स्कल का पीएम बॉक्स में नॉक डाउन पड़ा है, तो बहुत अच्छा बेहतरीन गेम प्ले दिखाई दे रहा है बूट कैंप में। स्कल रिपर ने और एक बंदा नॉक किया, नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों आ रही है पता नहीं। किल फिट यहाँ पर रेडन को पूरा फिनिश किया जाएगा गाइस, यस यस ही डिड, लेट्स मूव गाइस। डार्क भी नॉक पड़ा है, आइकॉनिक भी नॉक पड़ा है, यहाँ पे नोवा बाकी है गाइस, नोवा है और फ्रैक का आदित्य। तो गाइस क्या लेजेंड्स की स्क्वाड वाइप आउट कर देगी ब्रॉलर्स को, चलिए देखते हैं गाइस। लेजेंड ग्रिम ने डार्क को पूरा फिनिश कर दिया है। आई अभी स्टिल एंगल होल्ड करके रखा है नोवा के ऊपर, सो नोआ ज़्यादा मूव ना कर सके। एक्जोटिक ने आयसो फटल को नॉक कर दिया है, आइकॉनिक को रिवाइव मिलना थोड़ा मुश्किल है गाइज, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लेजेंड्स के स्क्वाड ने पूरा घेर के रखा है। सो गाइज सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है, अपने टीम के ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को लास्ट तक जिंदा रखना, किसी को मरने नहीं देगा क्योंकि लास्ट सर्कल में उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। नोबैक को बहुत अच्छा एंगल मिला और उसके पीछे से कवर फायर मस्त मिला दक्ष का, दोनों को एक एक बंदे नॉक है, रिवाइव दिए जाएंगे। डीसी अभिवर्ग ने नॉक कर दिया, डीसी अभिवर्ग सारा गेम पे दिखाई दे रहे, तो पूरा फिनिश कर दिया डीसी अभिवर्ग को। कर्मा का एक ही बंदा बाकी है, के जीरो उसके ऊपर रश कर रहे टीम नंबर थ्री का आदित्य। इट्स 1v1 बॉयज इन थर्ड पार्टी हो गया, सोल स्टोन ने वाइप आउट कर दी, सोल स्टोन ने ब्रॉलर्स का आखिरी बंदा बाकी था वो वाइप आउट कर दिया, ब्रॉलर्स भी गेम के बाहर हो गई है गाइज, टक्की फी फाइट हो गई है ओवर बी के साथ में गाइज। जेड सूर्य मूव अप कर रहा है, अपने आप को रोटेशन करके न्यू एंगल बना रहा है एंड और भी फ्रक्शन पानी के अंदर नॉक पड़ा है, यहाँ पे जीरो को स्पॉट कर दिया था बट उसके पीछे से अच्छा बहुत प्यारा कवर फायर मिला ब्लास्ट का, प्रॉब्ली सभी बंदे स्प्रेड होते हुए एंड जेड गॉड को बचाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो हाई रिच पे और कवर के पीछे से आ जाएगा। एंड टीम नंबर 24 का और एक बंदा अलग साइड में रॉ जीरो वाइट टी अभी भी वो कवर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने बंदे को बचा सकते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि फ्रैक्शन बच जाएगा। जेड का जेड गॉड तो रिवाइव हो जाएगा, जेड सूर्या भी पहुंच गया गाइज अलग एंगल से, आयसो फटल ओपी ने 18 इसको नॉक डाउन कर दिया है। 20 और 16 की गाइज यहाँ पे उनको जोन के निकलना ही पड़ेगा, यहाँ पे टीम नंबर 16 को वाइप आउट कर दिया आयसो की स्क्वाड ने, तो नाइस गेम प्ले बॉयज, जी इट्स नॉट क्लियर। यहाँ पे पूरा ओपन में आ रहे थे, जेड सूर्या को नॉक डाउन कर दिया, M4 3X का बहुत बेहतरीन स्प्रे हैरी के थ्रू, और भी फ्रस्टर स्टिल टीपीपी ले रहे, बंदे ने स्पॉट किया, बंदा नॉक हो
पाएगा लिटरली 13 HP, लिटरली 10 HP बाकी है। सोल साइबर स्टील एंगल होल्ड कर रहे, TPP ले रहे, स्टार बुक्स भी कंपाउंड पे, FPS इंसेंस ने RIP स्क्वाड को एक बंदे को नॉक डाउन कर दिया, रियोन स्क्वाड रियोन को नॉक डाउन कर दिया यहाँ पे, नॉक कर दिया FPS सर्वांश को, बहुत विकेट है बंदा। न्यूटन का बहुत बेहतरीन ले और करण भी नॉक हो गया, पूरा फिनिश। यहाँ पे FPS की स्क्वाड थोड़ी आगे मूव अप करेगी एंड दो बंदे आ रहे, दो तीन बंदे आ रहे, नॉक डाउन है तो इजीली वाइप आउट कर देगी। सक्षम ब्रो चील, यस ब्रो चील। FPS का सरांश नॉक डाउन, उसको रिवाइव दे रहा है, दिया जा रहा है FPS। इस सरांश को बहुत लीड था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और एक बहुत अच्छा स्प्रे टीम RIP डेस्ट्रो का। डेस्ट्रो ने अलग एंगल बनाया और अपने बंदे को स्प्रे देने की कोशिश, बट तो उसको भी वाइप आउट कर दिया सोल फैंटोस, इसने पूरी वाइप आउट कर दी है गाइज। उस कवर फायर देने के लिए आया बंदे ने, स्टील स्पॉट नहीं कर पाया, देख पाएंगे उसी ने नॉक कर दिया और पूरा फिनिश करने का ट्राई करेगा गाइज। डीड बंदे आजकल यही कर रहे हैं, नॉक करके पूरा फिनिश कर रहे हैं, तो कोई भाई बंदे को नहीं कर रहा। एवरीवन सपोर्ट दी स्ट्रीम एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दी BUCD टुडेस TMT फाइनल एट, यस ब्रो नॉक कर दिया और पूरा फिनिश करेगा। स्कल रिपर में जीतिया शर्मा को नॉक कर दिया है। तो मेन बिल्डिंग में गाइस जोन है, अभी मेन बिल्डिंग में जोन है। स्कल के बंदे दोनों एक लीड है बहुत एंड रिवा दे रहा है SG का, SG के दोनों बंदों की हेल्पफुल है। दूसरी साइड से स्टार का फन बुक टीम नंबर 9 SG का जोन काटेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है गाइस। हम आपको बहुत अच्छा व्यू देने की कोशिश करेंगे गाइस एंड स्कल फन बुक का नेट का प्रयास पर कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे बहुत अच्छा फन बुक का सेकेंड वाला नेट बहुत प्यारा कुक किया था आशीष नॉक, वही टाइम पे दो फाइट दोनों की फाइट हो रही थी एंड बहुत अच्छी मौके पे SG की स्क्वाड ने वहां से मूव अप कर दिया और जोन में बहुत अच्छी पोजिशन में आई है मैं। सो गाइज जोन बहुत छोटा हो गया है, जोन बहुत छोटा हो गया है, इट्स 3v2v2। दोनों स्क्वाड के पास, तीनों स्क्वाड के पास अपना अपना कंपाउंड है, कंपाउंड होल्ड करके रख रहे हैं एंड चिकन डिनर कौन सी स्क्वाड लेके जाएंगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्पैम करो गाइस स्पैम। यहाँ पे दोनों साइड से गन शॉट्स आ रहे हैं एंड स्टार के बंदे दोनों एंगल होल्ड कर रहे हैं, इवन स्कल के बंदों के पास एडवांटेज होकर एक सेंटर का जो रिपर है एज अ सपोर्टर करके खेलेगा। यहाँ पे मोस्टली हीलिंग बैटल चलेगा होगा या नहीं पता नहीं गाइज। यहाँ पे स्टार का फन बुक जोन के अंदर आ गया है और स्टार का माउंटेन भी नॉक है, डेस्टो भी नॉक है, लॉ भी नॉक हो जाएगा गाइज क्योंकि सेंटर बिल्डिंग में हाई रिच का एडवांटेज ले लिया और PM का बॉस बचा है, SG का लॉ आखिरी बंदा बचा है और SG के बंदे ने चिकन डिनर ले लिया गाइज। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मयूर शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। स्कल के बंदों ने चिकन डिनर लिया भाई 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 भाई, बहुत ओपी। कांग्रेस टू स्कल स्क्वाड टू हैविंग अ वेरी वेरी गुड चिकन डिनर एंड टोटल गाइज 12 किल्स के साथ चिकन डिनर निकला है।